हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। पिछली जो हमारी क्लास थी, उस क्लास में हम इनविटेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और फॉर्मल इनविटेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमारा जो इनविटेशन होगा वो है इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल जो है उसकी हमें रिप्लाइज पढ़नी है, जो आपके एक्सेप्टेंस भी आता है, रिफ्यूजल भी आता है, डिक्लेनिंग वगैरह कहते हैं। ये आपका यहाँ पर जो रिप्लाइज है वो एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा सेक्शन बी में। ध्यान दीजिए, आज हमारा जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इनफॉर्मल रिप्लाई। देखिए, इनफॉर्मल रिप्लाई पढ़ने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं कि जो इसका वर्ड लिमिट होगा, जो इसकी वर्ड लिमिट है, ये वर्ड लिमिट आपकी अबाउट 50 वर्ड्स होना चाहिए। लगभग इसके जो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड होगा। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं, यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन सा है? आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप यहां पर यूज में ले सकते हैं। तीसरे पॉइंट की हम लोग यहां बात करते हैं। जब हम इसे शुरू करते हैं एक बॉक्स में, तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, या फिर मैं सॉरी एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, सेल्फ एड्रेस जो लिख रहा है उसका एड्रेस हमें सर्वप्रथम लिखा जाता है। उसके बाद में हम लोग जो जिस दिन हम लोग इस इनफॉर्मल रिप्लाई को तैयार करते हैं उस दिन की डेट को हम यहां पर लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन का मीन आप लोग लेंगे कोई संबोधन करेंगे, जैसे डियर करके आप लोग लगाओगे, फ्रेंड है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहां पर अपना जो भी वर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद में अपना जो लास्ट जो होगा वो होगा इसमें शाइन, यानी इसमें आपको अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे, योर ट्रस्टी करके, ठीक है कि नहीं, योर फैक्टफुली करके हम लोग यहां पर अपने सिग्नेचर भी देंगे। किसमें? अपने इनफॉर्मल में। देखिए, इनफॉर्मल जो आपने यहां पर अभी देखा ऊपर लिखा हुआ, इसके जब हमारे पास में 6 पॉइंट होंगे तभी हम लोग इसको अच्छी तरीके से और भी बेहतर विथाउट किसी प्रकार के एरर करते हुए हम इसको कंप्लीट लिख पाएंगे। अब देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं और उस क्वेश्चन से फिर हम लोग अपना जो आंसर है वो इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से हम यहां पर बनाएंगे। सो देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर मुकेश, यू गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम महेश टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी ऑन 25 दिसंबर 2020 एट 5 PM एट हिज रेजिडेंस। राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई एक्सेप्टिंग, इसको स्वीकार करना है, आपको प्रोग्राम में उपस्थित होना है, द ऑफर। ये आपके पास में आपको पता चला कि इनफॉर्मल आपके पास में रिप्लाई थी, इनफॉर्मल रिप्लाई ऑलरेडी यहां दे रखा है। कौन सा पार्ट बनाना है इसका? आपको एक्सेप्टिंग तैयार करनी है इसकी, ठीक है। इनफॉर्मल की आपको क्या तैयार करनी है? आपकी एक्सेप्टिंग तैयार करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक एक पॉइंट आपको मिल गया है, कौन से प्रोनाउन का यूज करना है, कौन सा नहीं करना, कहां पर डेट लगानी है, कहां पर एड्रेस लिखना है, कौन सा सैल्यूटेशन देना है, ये ऑलरेडी आपने अभी इससे पहले देख लिया था। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, आपके सामने अभी जो क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन है,
आपने सबसे पहले, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड लिमिट मेरे माइंड में है, सबसे पहला पॉइंट यहां पर एड्रेस लिखा जाता है, जो आपका इनविटेशन रिप्लाई लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले यहां पर ऊपर कॉर्नर से आप शुरू करोगे। सो मैंने यहां पर इसका एड्रेस है वो यहां पर लिख दिया। फिर उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं, एक लाइन का स्पेस देंगे, उसके बाद में हम डेट को यहां प्रिपेयर करेंगे, जो अपना डेट बन रहा है लिखने की डेट, प्रोग्राम की डेट नहीं, प्रोग्राम की डेट आपको अंदर देना है। अभी यहां पर लिखने की डेट को, जो जिस दिन आप लोग रिप्लाई करते हो उस दिन की डेट आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा, जिसमें आपको लिखना है माय डियर, और यहां पर देखिए मैंने लिखा महेश। अब देखिए जिसके प्रोग्राम है वो है महेश, जो लिख रहा है वो था मुकेश, तो यहां पर माय डियर आप लिखो फ्रेंड या फिर लिख दो महेश, कोई दिक्कत नहीं है, आपने नाम लिख दिया यहां पर महेश। फिर देखिए अपने लैंग्वेज की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, क्या है, आई थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी ऑन, यहां से आपकी जो भी प्रोग्राम होगा उसकी जो डेट, जिस दिन प्रोग्राम होना है 25 दिसंबर 2020 को प्रोग्राम होगा, 8:05 PM 5 बजे ये प्रोग्राम होने वाला है, स्थान का नाम लिखें तो रेजिडेंस है, योगा रेजिडेंस अर्थात इसके निवास स्थान पर है। फिर उसके बाद में आई हैव ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द ऑफर, यानी अब देखिए उसने इस प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया, वहां जाना एक्सेप्ट कर लिया, बस यही चीज आपको देनी है क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक्सेप्टिंग मिल गया था, ठीक है, और इसी एक्सेप्टिंग से आपको एक्सेप्टेंस इसका तैयार करना था, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, योर लविंग फ्रेंड, और देखिए उस फ्रेंड का नाम क्या लिखोगे आप यहां पर, मुकेश। देखिए नेम यहां अलग यहां अलग, यहां वाला नेम जिसके प्रोग्राम है, यहां वाला जो रिप्लाई लिख रहा है, जिसने इनविटेशन लिखा था वो तो महेश था, जो रिप्लाई कर रहा है वापस वो क्या है आपका मुकेश। इस लैंग्वेज में आपको पूरी की पूरी अपनी एक्सेप्टिंग जो रिप्लाई है वो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है। ये है आपका इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। 4 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड की एग्जाम सीनियर क्लास में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए हम इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।